पेगन खरे के न्यू कवे है जोकर विरोधी पार्टी ते टिकट लेना चाहे वायरल हो गलत काम करे है मेरे काड़ो थप्पड़ मार दियो और लुगाई लुगाई की दुश्मन हो मैं तो सच्ची बताऊं। राम राम शिवनम में पिंकी की नाला और तम देखने लाग रहे हो रियल हरियाणा। तो फिलहाल मौजूद है पूनम कंडेला, तो तुमने बता दू तेरे जितने भी सवाल थे सारे सवाल आज इन तक करे जाएंगे। तो राम 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 बेबे। तो बेबे ये आंदोलन आने की शुरुआत बेबे कोई शुरुआत नहीं थी, मतलब शुरू में मैं जिस तरह अपने गांव में मतलब वो बोले भी आंदोलन पिपली से स्टार्ट हुआ था, तो उसमें मैंने हमारे गांव के बूढ़े बूढ़े जानते देखे कि अपने सड़क पे मकान है, तो मेरे भीतर मैंने अपने आप जुनून हो गया भी हमारे 80 साल के बूढ़े मार खातर फसल अपनी नस्ल फसल की लड़ाई खातर लड़ने, तो हमने भी कुछ लड़ना चाहिए। तो अपने टोल पे जाने लगे, मैं 2-3 बार गई, फिर मैं लुगाइया लेकर जाने लगी, फिर हम दिल्ली मतलब हफ्ता में 2 बार दिल्ली जाकर देनी मैम, फिर हम टोल पर जाने लगे। तो जिस तरह मैं एस्टेट बी एड क्वालिफाई हूँ, तो मेरा नेट मेरा एस्टेट का पेपर क्लियर हो गया था, तो करके बोले भी आंदोलन में ना जाकर तो लेकिन मेरे भीतर में इतना जुनून हो गया भी ना मैं तो टोल पर जाऊंगी। सही बताऊं बेबे रोटी भी स्वाद लगे अगर इतने टोल पर नहीं जाकर थी, भीतर में इतनी आग होगी थी। और जब हमारे 80-80 साल के बूढ़े जिसकी बेचारी दूध धोती है मैं खरोच आ गई थी, उन्हें देखकर हमारी 80-80 साल की बूढ़ी देखकर आ गई थी भी लड़ाई इनकी को नहीं मारी है, फसल की नस्ल की लड़ाई थी। और वह असली लड़ाई बेबे जब जीती गई थी जब हमारे इनका इनके ऊपर हमारा हाथ था, वो हमारे कल्या देखो हमारे पर तो कागरा नहीं खून गर्म था, हम तो कहते आंदोलन खत्म होगा कद नुकर देंगे लेकिन हमारे बूढ़े नुकार अभी सबर का फल मीठा अभी हमने धीरे धीरे देखी। और मैं सही बताऊं जिस तरह मैं विरोध करने जाकर नहीं, मेरा कई बार इतना टारगेट कराया गया था मेरे को भी सीधी मतलब पूनम ने मतलब सीआईडी के फोन आ गए पूनम तू जाओगी कि नहीं जाओगी, मैंने कहा हाँ मैं जाऊंगी। और सही बताऊं मैंने इतनी खुशी क्या है मैं जितनी मैं विरोध करने में होया करती, मेरा मतलब हरियाणा पुलिस का पेपर क्लियर हो गया था, फिजिकल थी जब भी मैं दुष्यंत का विरोध करने गई थी मैंने हो गया था भी मैं विरोध करने जाऊंगी लेकिन मैं फिजिकल देने जाऊंगी, भीतर में इतनी आग थी बीजेपी वाले बाबत, लेकिन इवन कहा करे भी कुछ हाँ ये बात अच्छी पड़ गई। तो बेबे आपका जो मतलब है कंडेला की तो आप बहू हो, पांचला गांव कौन सा? बेबे वो तो मैं संगत पर की बेटी हूँ, हम जींद रहा हूँ। तो कवे बेबे गन खरे के न्यू कवे है जो कर विरोधी पार्टी ते टिकट लेना चाहे वायरल हो गया ए बेबे ना तो पार्टी किसे इबले कोई पार्टी भी जुआन कर खिर मतलब मारे पर क्या नकड़ा है बेबे टिकट थी मैं तो आम आदमी है और मारे तौवा का बीच में रह कर राजिया नेता गरीब बढ़ गए, तो बेबे लोग नेता की डाल पूजे गरीब आम इंसान है कुकरे विरोध दाम कुकरे जाओ कुकरे नहीं लग मारे को दिल में भी कोनी बात है, मैं तो नुको हूँ देखो है मेरे दिल में यह बात लेकिन मेरे नेता बनने की कोनी, मैं नुको मारा कोई धोती वाले बुढ़े है नहीं मारे जिनकी बेचारे धोती पट्टी रहे, मैं नुको ना अग्गा बिठाओ जो मारी आवाज सुन सके, मैं किसान की बेटी मैंने नुभेरा है भी किसान का दर्द कितना वह है, आज तक भी आपने कोई भी नहीं देखा ये दौड़े पोस है ये कदे किसी की आवाज नहीं, ये सिर्फ अपनी नेतागरी चमकाने के मतलब तो मारे पर क्या का इस्तेमाल कर मारे पर जड़े पब्लिक बैठी जड़े माइक पर बोलना है जगह अपना अपना मतलब कर खतर है बेबे यार मामने कोई नेता करी नहीं। तो बेबे जो कंडेला में दबंग बूंद के नाम तक फेमस हुई दबंग बूंद बेबे विरोध करने जा कर दे तो मतलब हर जगह नुका कर दे भी मैंने पुलिस वाले डर भी लग गया करता शुरू शुरू में डर लग गया करता पुलिस वाले लेकिन पुलिस वाले ने देखा नहीं मेरे भीतर में इतनी आग उठ जा करती जितने बैरिकेड होए मैंने ईव तो केस होने जो मैंने पुलिस वाले के फीते डंडे तक भी पकड़ रखे और पुलिस वाले ने मेरे को 2 बार हाथ लाठी चार्ज करा नहीं मैंने डबल मारे है एक डंडा मारे है नहीं तो 2 मारे मैंने पछे को नहीं हटी और मारे कई बूढ़े तो मारे 500 पुलिस वाले के बीच में तो कट के ले रहे हैं जो कहे मारे कंटी बबली है उसने मतलब 500 पुलिस वाले के बीच में तो हमारे किसान कटे और कई बार मारे बूढ़े को इतना थापाई करे जब भी हमने इतना कंट्रोल करा है और जिंदगी की बेबे सही बताऊं कुछ भी नहीं चाहिए मैंने को मारे इन बुढ़े का हाथ होना चाहिए जब हम जीत सका। तो जो करा आपने मतलब शादी के पहले ही दिल्ली भी काबा डाल लिया मैं छत्ती है गिल्ला हां का तो ये पत्ता मैं धनी तो देख लो क्यों कर पूनम ने आगा ले रखा है ताई तो है आगा ये और पाछा मामे तो बेबे जो कर शादी से पहले ही काम शुरू कर दिया था जाना जाना शादी से पहले को बेबे शादी के बाद कर रहा है तो मतलब विरोध नहीं करया कितने नाटे को नहीं करके बेबे घर के तो जो कर परिवार में पुलिस वाले भी थे कई बेबे जो कर ऊपर थे कई बार नुकंदे भी इसने अपना बालक को नहीं पढ़ना के इसने समझा दो भी ये चीज बढ़िया को नुको नहीं मां कोई बात नहीं का बढ़िया हो का ना बढ़िया मैं इस चीज में पड़ गई और कई कमेंट में लुका गया नेता बड़ा भाई ना तो नेतागरी करनी और ना भाई एक बताओ इस आंदोलन में सिर्फ आंदोलन लड़ना है कोई नेतागरी करनी आंदी नहीं स्टेज पे बैठा रे आम धरती पर लड़ने और नेता तो भाई विरोधा का टाइम पछा लुक जा रहा हम तो समझ आगे खड़े हो और मरण खातर भी आगे खड़े कदे भी कितने भी विरोध होया भाई खेतड़ मारा कोई न्यारी लड़ाई को नहीं गौ माता की लड़ाई थी मामा आड़ा है 8 तारीख ने मामा इतना विरोध करा मरण खातर भी तैयार हो गए थे कई जवानों हाथ पड़ गया मेरी इतनी चोट लगी मैं भी दिखा नहीं सकती डंडे
मामा पासू में इतने डंडे मार के मेरा सांस भूलने वाला काम हो गया था, लेकिन फिर भी मेरा अभी मेरे सारे मतलब हमारे बूटे बूटे भी लड़ने लग रहे थे, हम क्या नहीं लड़ा इस चीज खातर। दर्शक ज्यादातर कई बार कमेंट में देखो अपने अपने लोग भी अच्छे भी बोल रहे हैं, कोई माड़ा भी, क्योंकि इस फील्ड में मम बढ़ गया देखा, माड़ी भी कहने वाले भी अच्छी भी कहना, लेकिन मामले में अपना बड़ा का साथ मिल गया तो मामले देखो हर चीज में इस फील्ड में बढ़ के माड़ी अच्छी तो हो जाए सारी जगह। और सबसे बड़ी बात है बे लुगाई लुगाई की दुश्मन हूँ मैं तो, सच्ची बताऊँ किसे लुका देगी या लुगाई बे विरोध वहाँ कड़ी देख बे चुन कई मैं बहु हूँ मैं अपना आप तक बताऊँ कई बार चुन्नी बे उतर जाए विरोध मैंने कहो भी बहुत थी बे चुन्नी उतर गई धक्का तो अंतर है हर चीज का बे तो हो वह इस चीज में तो ठीक नहीं करनी तो बेबे जो करे धरने आवे है घर तक खर्चा पानी भी लागे है टेम भी लागे है इनकम कुछ भी नहीं होती इनके घर तक होना है इसने लेके परिवार कितना विरोध करे देख बेबे परिवार का बिना तो देखो कुछ नहीं परिवार ने सपोर्ट दिया जब मामा इतनी जगह पहुंचे आ लेकिन बेबे खर्चे पानी लागा है जो कर मामा 5-6 जनी बेबे मामा अगर तेल लागा का बेबे 700-200 रुपए बांटा जाए अगर एक एक कल्ली कल्ली गाड़ी लगे बेबे इतने मामा बड़े इनकम नहीं मारे दो दो किले के जमींदार हमारे पास कोई सी सोर्स नहीं अपना 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 बेबे थोड़ा बहुत मिला कर अपने खर्चे काटा और परिवार का सपोर्ट भी ना तो बेबे आज तक मामा पहुंचे नहीं पाऊंगा थे उनका सपोर्ट कर लेबे आठ तक पहुंचे हैं और उनका बेबे नुको मैं तो मेरे सासू ससुर मेरा मतलब हसबेंड बे जितने आठ तक मेरा साथ दिया बेबे परिवार ने आपका ना सपोर्ट कर दिया लेकिन है नहीं चाहे बला कर लो चाहे बुरा कर लो टांग खींचा करे उनने आपका घर के कितने शिकाय है आप ती कई आवानी पूछ दे आपके घर के कितने शिकाय है सही होता हूँ देखिए बात जायज है शुरू शुरू में मतलब आंदोलन में जा करते नुकुंदे भी बहु किसे की नहीं जानती मतलब बूटी बूटी जावे है मैंने सिर्फ एक बात कही थी मैं अपनी जगह ठीक हूँ मैं अपने दिल तक काम करूंगी तब ना कोई अगर तब ना कोई बैर का कुछ कहो नहीं तो मेरे पे पूछियो है अगर मेरी कोई गलत बात लगी तो मन नु कोई भी इतने गलत काम करे है मेरे को थप्पड़ मार दियो और आज तक भी मेरा गांव ने मेरा कंडेला गांव ने मेरा इतना साथ दिया है मैं कितने विरोध में भी कहीं नहीं मारा गांव की दो दो ट्रैली लुगाई और मैं कंडेला गांव की लुगाई अगर बेबे सही बताऊं उनकी वजह तो मैंने इतनी हिम्मत मिली है मेरी बूटी 80-80 साल की ताई है मैंने कहा ताई तो आज आज रह जो भी विरोध करने जाना मरता अग पाया करती सब तो हिम्मत की बात है मेरे गाँव की बेबे लुगाई है और हकीकत में कंडेला गाँव ने इतना दिल तक साथ दिया है अगर जरा 10 आदमी लेकर जाने 20 आदमी जा कर देवे सरों सरों में जो कर तेरे ऊपर कोई धारा ला गई पुलिस आई या फिर उठाया गया कोई भी धारा ला दी उस टाइम कर क्या नहीं उनको उनका रहने दे क्यों लफड़े हम पड़े हैं उलझ गए शुरू में भाभी हम दिवाली पे मतलब छोटी दिवाली पे दुष्यंत का विरोध करने गए थे घर सारे खुशी तो मना रहे मेरे मतलब बेबे जो कर मैं सलवार वाला सूट पहरी मेरे पैरों में जूती नहीं मेरा सूट पैट रहा चुन्नी पैट रही मारे घर के बोले तेरे के ऊत बरस जा रहे हैं अभी तू अपना घर खुशी तो त्योहार तो मना मना उस दिन नहीं देख दुष्यंत की गाड़ी के मैंने शीशे भी फोड़े बेबे और मेरी जो पूरे हाथों में चूड़ी तक भी नहीं मेरी चैन खुगी थी चलो पैगी बेबे वहा भगवान की दात है मेरे पूरे हाथों में खून और सब ने कहा था पुलिस वाले ने बोले इसने ठहलो मैं ठहली नहीं सब पता खा जूंगी मना तो मरना है आज नहीं तो कल अरे नुका क्रांतिकारी बनना खाते देखो जेल में भी जाना पड़ेगा अरे बेबे धारा तो मैंने धारा तो कोई डर भी नहीं लगता सच बताऊं तो मैंने होगा बस जेल में जाना पड़ेगा हाँ बैग खुल गया बेबे तो घर कहने के कहा उस दिन बेबे घर कहना है नुका भी तो अपने बालक ने पढ़ ले कुछ नहीं कोई नहीं किसी का ये तो भी इतने आंदोलन चला इतने इतने कुछ नहीं लेकिन बेबे मारे जो मेरे गले जो करिए मेरी बेबे नीता है बड़ी बेबे की डाल है इसने मैंने जड़े भी मेरी जो इसने मेरी जरूरत पड़ी अरे मैंने इसकी जरूरत पड़ी इसने मेरा हमेशा साथ दिया है और घर कहना बेबे थोड़ा बहुत देखो सब ने डर लगा लेकिन बेबे कुछ भी आने वाला टाइम मैंने कहा करा नहीं मारे बड़े बड़े का ये सारी बतला खन है हाँ आगे रवा है ये और पत्थर हमारा बरसोला की खटखड़ बरसोला अच्छा यारी टी मरसारी ये गलदारी रे सारा हाँ खटखड़ बरसोला तो दर्शक ने क्या कहना चाहोगी बेबे जो मतलब है लेडीज है वो आगे बताना चाहे है कि तेने अड़ोसी पड़ोसी गांव गुआंड उसके टांग खींचे जावे है बहू है छोरी है बाहर जाना है आदमी पाओगे न्यू पाओगा केस लाग जाएंगे यो हो जाएगा गोली चाल जाएंगे उन चीज जान मैं तो देखो बेबे यह बात कहना चाहूँ अगर कुछ गलत हो रहा तो बेबे उसकी उसकी आवाज उठानी चाहिए आवाज नहीं उठाई तो आप सारी उम्र दब करवाएंगे अगर कुछ गलत हो तो उसकी आवाज उठाओगे अपने पड़ोस में भी कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज उठाओगे जब आगे ऊपर पहुंच जाऊंगी तो आज की वीडियो इतनी है बाय बाय राम राम टेक केयर मिलेंगे एक और नई वीडियो में।